तो परसों क्या हुआ, मैं अपना घर बना रहा था और अचानक से एक क्रीपर आके मेरे घर में फट गया, जिसके बाद मुझे गुस्सा आया और मैंने यहाँ पे सामने पड़ी बाल्टी उठा के क्रीपर को मारी, पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर मेरे को बहुत गुस्सा आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक क्रीपर फार्म बनाया जाए और उनको जला जला के मारा जाए। तो आज की वीडियो में मैं वही करने वाला हूँ, एक बहुत ही तगड़ा क्रीपर फार्म बनाने जा रहा हूँ। ये जो तुम देख रहे हो ये मेरा आयरन फार्म, इसका लिंक भी मैं तुमको ऊपर आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तुम वो बना सकते हो। अरे बहुत ही काम का है, देखो तो सही इसके अंदर आयरन कलेक्ट कितना हो गया भाई, बहुत सारा हो गया। ओके तो आयरन फार्म की वीडियो नहीं है, क्रीपर फार्म की है, तो चलो क्रीपर फार्म बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे मैं ब्लॉक प्लेस कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे ही करना। ओके तो पहले 5 ब्लॉक प्लेस करो, उसके बाद जैसे जैसे मैंने किए हैं वैसे वैसे करो, 2 ऊपर करो, फिर 2 और ऊपर करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही ब्लॉक प्लेस करो। अब सामने तुमको 13 ब्लॉक प्लेस करने हैं। ओके तो 13 ब्लॉक प्लेस हो गए, अब वही तुमको करना है बिल्कुल उसके जैसे 5 ब्लॉक और प्लेस करने हैं, मतलब एक तो पहले हुआ 4 और कर दो, एक ऊपर करो फिर एक उसके ऊपर करो उसके साइड में, अब 2 और ऊपर करो, फिर धीरे धीरे नीचे जाओ जैसे उस साइड किया है बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे 5 ब्लॉक प्लेस करो, अब सामने वाले ब्लॉक से कनेक्ट कर दो इनको। अब तुमको यही काम एक और बार करना है, एक और लेयर इसके ऊपर ऐसे ही प्लेस कर दो, एक एक ब्लॉक और ऊपर कर दो इसको ऐसे ही। ओके तो ये कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा सा दिखेगा, आयरन गोलम अभी भी जल रहा है। ओके तो अब अंदर आके तुमको 3 गड्ढे कर लेने हैं इसके अंदर, मतलब टोटल 6 ब्लॉक्स तोड़ लेने हैं जैसे कि मैंने तोड़े बिल्कुल वैसे। अब तुमको कारपेट भी प्लेस करने हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे, एक प्लेस करना है फिर 2 का गैप छोड़ के तीसरे में प्लेस करना है, बिल्कुल ऐसा दिखेगा तुम्हारा कारपेट प्लेस करने के बाद, एक आगे 2 का गैप छोड़ के एक और, फिर 1 का गैप छोड़ के एक और। और ये देखो ये ध्यान रखना कि वो कॉर्नर वाले जो ब्लॉक है ना उन पे ही तुमको प्लेस करने हैं। ओके तो जब तुम कारपेट प्लेस कर लोगे तब तुमको 4 ट्रैप डोर भी लगाने हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लगाना, नहीं तो फार्म वर्क नहीं करेगा, फिर तुम बोलोगे काम नहीं कर रहा। अब तुमको 3 ब्लॉक नीचे जाना है जहाँ पे गड्ढे हैं बस उधर से ही। ओके तो अब तुमको वाटर बकेट डाल देनी है 2, दोनों कॉर्नर्स में। अब तुमको 16 ब्लॉक आगे जाना है, 3 तो मैं गया हुआ हूँ, अब 13 ब्लॉक मतलब और। तो जैसे कि तुम 13 ब्लॉक तोड़ लोगे तुमको दिखेगा कि वो पानी वहां से नहीं आ पा रहा, तो वो पानी ना आए उसके लिए तुमको और गड्ढे करने हैं जैसे कि मैंने किए बिल्कुल वैसे। अब अंदर आके अपने लिए एक छोटा सा एरिया बना लो जिसके अंदर तुम चेस्ट प्लेस करोगे, हॉपर प्लेस करोगे, बाकी सारे काम के लिए। ओके तो अब 2 चेस्ट प्लेस कर दो, उनके ऊपर 2 हॉपर प्लेस कर दो, मतलब चेस्ट के साइड में 2 हॉपर और लगा दो। ओके तो हॉपर के ऊपर अब तुमको कैंप फायर लगा लेनी है। ओके तो कैंप फायर के आगे तुमको ग्लास लगा लेने हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही लगाना, हमारा ये सारा काम हो चुका है और मैंने ग्लास इसलिए लगाए हैं ताकि चेस्ट आराम से खुल सके। ओके तो अब तुम ऊपर जाने के लिए एक रास्ता बना लेना है, बारिश हो रही है अभी तो आया हूँ, नहला दिया पहले ही। ओके तो अब तुमको अंदर 2 बिल्ली लानी है, 2 ब्लॉक कोई भी तोड़ो, ये जो बीच वाला ब्लॉक है ना मतलब एकदम जो मिडल ब्लॉक है तुमको उधर बिल्ली ला के बिठानी है अपनी, और ऐसे ही तुमको दूसरी साइड भी करना है। ओके एक साइड तो हो गई बिल्ली बिठा दी, ये दूसरी साइड भी बिठा दी मैंने बिल्ली। तुमको अब अपना पूरा एरिया ट्रैप डोर से कवर कर लेना है, तुमको यहाँ पे स्लैब लगा देने हैं, इसको पूरा कवर कर देना है, बंद कर देना है। ओके तो स्लैब लगाने के बाद ये ऐसा सा कुछ दिखेगा। अब अगर तुमको एक और ऐसा फार्म नहीं बनाना तो तुम इसी को एक्सटेंड कर दो पूरे के बाद ऐसा लग रहा है, और अब स्लैब लगाने के बाद ये ऐसा सा कुछ दिख रहा है। ओके तो अब तुमको 120 स्कैफोल्डिंग ऊपर तक लेके जानी है, इस पर अभी तक जुल्म हो रहा है बट मैं क्या करूं। ओके तो यहाँ पे तुमको अब एक AFK रूम भी बना लेना है,
ओके, तुमको टॉर्चेस भी प्लेस करनी है नीचे, नहीं तो नीचे ही कुछ भी स्पॉन हो जाएगा। ओके, 10 मिनट के बाद जैसा कि तुम देख ही पा रहे हो इतने सारे क्रीपर यहाँ पे हैं और 60 गन पाउडर भी है। ओके, सो एक बात तुमको बता दूँ, ये जो है ये 1.16 तक ही काम करेगा, उससे ऊपर के वर्जन्स में नहीं करेगा। ये बात मेरे को खुद थोड़ी देर पहले ही पता चली जब ये वर्क नहीं कर रहा था, तो मुझे भी झटका लगा जितना तुमको लग रहा है। ओके, सो मैं इसकी वीडियो 1.17, 18, 19 इनके लिए एक और वीडियो लाऊंगा, वो भी देख लेना। ओके, सो नाराज़ मत होना, मैं कुछ नहीं कर सकता था उसमें। तब तक के लिए बाय।